नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। और कविता विश्वकर्मा मेरा नाम है। तो आज मैं स्किन केयर रेमेडी लेके आई हूँ जो काफ़ी अच्छा है। इंस्टेंट अगर आपको ग्लो चाहिए तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं तो वो आपका स्क्रब का भी काम करेगा और पैक का भी काम करेगा, दोनों साथ में आपका यूज़ होगा। टाइम भी आपका बच जाएगा अलग स्क्रब करने से। तो दोनों चीज़ मैं एक साथ लेके आई हूँ, तो क्या है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिसे भी बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे भी कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो घर की चीज़ों से ही मैं आज पैक और स्क्रब दोनों करने वाली हूँ। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना है बाहर फंक्शन के लिए या फिर वेडिंग वगैरह जो भी है, आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने के लिए, तो आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डेली रूटीन रोज ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमें धूल मिट्टी का भी बहुत सामना करना पड़ता है, काफ़ी डस्ट फेस पे बैठ जाते हैं। और सनस्क्रीन का जो असर होता है सन का, वो भी रिमूव करने का वो काम करेगा धीरे धीरे। होम रेमेडी है तो थोड़ा धीरे लेट असर दिखाएगा, पर रिजल्ट ज़रूर आएगा। हफ्ते में 3 बार ज़रूर इस कीजिए, इस पैक को, स्क्रब को। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल ले लिया है और मैंने सूजी लिया है एक चम्मच, तकरीबन एक चम्मच मैंने सूजी लिया है। अपने फेस के अकॉर्डिंग ही लेना है, आपको फेस के अकॉर्डिंग कितना लगता है वो लेना है। और मैं एक चम्मच तकरीबन मैंने एक चम्मच मैं बेसन ही लूँगी, मैं फेस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ और मेरा बचना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी हमारा एंटीबायोटिक का भी इसमें प्रॉपर्टीज़ है और एंटी फंगल्स के भी प्रॉपर्टीज़ है, हल्दी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा आधे से भी आधा चम्मच हल्दी लूँगी, ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ मैं, आधे से आधा चम्मच हल्दी लेने वाली हूँ। इतना फेस के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। और मैं थोड़ी सी दही ले लूँगी, दही का थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूँगी, जिससे हमारा पैक अच्छे से हो जाए। और तकरीबन 1-2 चम्मच थोड़ा सा ही लेना है फेस के अकॉर्डिंग, तो मैंने एक और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारा अच्छे से पैक भी बन जाए और हमारे फेस पे अप्ला भी हो जाए। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप चावल का भी आटा यूज़ कर सकते हैं, बट सूजी मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया है क्योंकि सूजी हमारा स्क्रब का भी काम करेगा और फेस पैक में भी काम आ जाएगा। तो सूजी अच्छा है फेस के लिए भी, कि अलग से हमें स्क्रब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेसन तो आप जानते हैं कि स्किन को कितने अच्छे से ग्लो करता है और हमारी स्किन को टाइट करता है, टाइट करने का भी काम करेगा स्किन को। तो हम अच्छे से इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है अलग से स्क्रब करने का तो आप इस तरीके से भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं पहले से थोड़ा सा लगाऊंगी और स्क्रब करूंगी मैं। तो ये देखिए हमारा पैक एकदम रेडी हो चुका है अच्छे से एकदम। तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे फेस पे लगाने के लिए। तो मैं इसे कम से कम 2-3 मिनट मसाज करूंगी। और सूजी ना काफ़ी अच्छा है, देखिए आप एकदम माइल्ड स्क्रब होता है इसका, आपको पेन भी नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं अपने पूरे फेस पे इसे स्क्रब कर लूंगी। घर में कुछ भी ना हो तो आप ऐसे भी फेस पैक और स्क्रब कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो मैं अभी स्क्रब करूंगी इसे 2-3 मिनट। तो मैंने फेस पैक पूरा स्क्रब करके अच्छे से फेस पैक मोटे लेयर में लगा दिया है सब जगह, आप देख सकते हैं। तो अब इसे मैं सिर्फ 15 मिनट रखूंगी, 15 मिनट के बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी। फेस वॉश करके मैं आपको मिलती हूँ। देखिए अब मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, तो फेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है हमारी। तो चलिए मैं 15 मिनट के बाद फेस वॉश करके आपसे मिलती हूँ। तो आप मेरे चेहरे पर ग्लो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है बट ठीक है, इट्स ओके।
अच्छा ग्लो आ गया है, फेस काफ़ी क्लीन हो गया है। तो अभी एक लास्ट स्टेप करेंगे, एलोवेरा जेल मैं हमेशा नाइट रूटीन में ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर मैं कोई होम रेमेडी वगैरह यूज़ करूँ चाहे ना करूँ, मेरा एलोवेरा जेल फिक्स है। अगर आपके फेस पे कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं होती है, मीन्स आपको पिंपल्स वगैरह आना चालू हो जाते हैं या फिर कोई चीज़ें आपके ऊपर सूट नहीं होती है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। जैसे कि मेरे फेस पे लेमन सूट नहीं होता है तो मैं लेमन का यूज़ नहीं करती हूँ, उसकी जगह मैं कर्ड का यूज़ करती हूँ। कभी भी मैंने एक या दो बार ट्राई किया है रेमेडी में तो मुझ पे सूट नहीं हुआ था तो मैंने बंद कर दिया। तो सेम ऐसे ही अगर आपके चेहरे पे सूट नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी अप्लाई करके सो जाऊंगी। हफ्ते में 3 बार जरूर ट्राई कीजिए कोई भी रेमेडी को, कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, क्योंकि वो ये होम रेमेडी है तो इसका जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, बट आता है तो अच्छा आता है। तो आपको कहीं इंस्टेंट जाना है जल्दी जल्दी फटाफट, तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो चलिए अब मैं अपना रेमेडी का एंड यहीं पर करती हूँ, वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में।